एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हैं जंतर मंतर पर, यहाँ आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल से यहाँ कुछ साथी आए हुए हैं जिनका काम शिक्षा का है, जिन्हें बच्चों को पढ़ाने का काम है। उन्हीं के साथ बहुत बड़े पैमाने पर कुछ महिला भी आई हैं और मैं आपको सीधा दिखाना चाहूंगा कि स्टेज की तरफ जो इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, इनका नारा है अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ, शिक्षा मित्रों का सम्मान बचाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,72,000 शिक्षा मित्रों का अध्यादेश की मांग को लेकर विशाल सत्याग्रह आंदोलन ये जंतर मंतर पर कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे, मेरा नाम हृदय दुबे है, मैं दूरस्थ बीटी शिक्षा संघ का प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष हूँ कन्नौज का। आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आए हैं? महोदय, दर्द बहुत है, कैसे आपको बताएं कि 1999 में बाबू कल्याण सिंह की सरकार में हम लोगों को शिक्षा मित्र बनाया था। उस समय प्राथमिक विद्यालय, जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय थे, उनको कोई खोलने वाला नहीं था। तब हमको धोखा देकर 2,250 रुपये पे लगाया गया था। तब हमारी उम्र 22 साल थी। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मैंने अपने 17 वर्ष का जो कीमती समय था, वो प्राथमिक शिक्षा को अपना जीवन दान, अपना पूरा समय दे दिया। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज पुलिस में, नायब तहसीलदार, मेरे जनपद के कई ऐसे लोग हैं जो बन गए हैं। और हमको आज 17 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको अयोग्य घोषित कर दिया गया कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, इनको हटा दिया गया। महोदय, हमको अयोग्य घोषित करने में इस देश के कानून को 17 साल लग गए। ऐसे देश के कानून पर मुझे बड़ा तरस आती है, ऐसे कानून के निर्माताओं पर, ऐसे कानून के पालकों पर, कि हमको अयोग्य सिद्ध करने में 17 साल लग गए। महोदय, तो ये दर्द बहुत है कि इस 40 साल की, 45 साल की उम्र में हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, हमारे परिवार अब कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे, कहीं हमको नौकरी मजदूरी की भी नहीं मिलेगी, नरेगा में भी हम नहीं नियुक्त होंगे। ऐसे देश के कानून, और माननीय मोदी जी ने, आपने देखा होगा, मीडिया के साथी जानते हैं, 2015 में एक रैली में वादा किया था बनारस में कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, आज वो वादा भूल गए हैं। 45 शिक्षा मित्र, आज 25 तारीख है, 25 जुलाई का ही हम बाहर किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एक माह में 45 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है, किसी ने फांसी लगाई है, किसी ने अपने गोली मारी है, किसी कोई हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला है। ऐसे देश के शासक जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ इस देश का, मैं नवी युवक ये विदेश में जाके भाषण देते हैं कि भारत में नव क्रांति है, नवी युवक है, मोदी जी यही नवी युवक है। ये 35 साल से 45 साल के बीच का शिक्षा मित्र, इसी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हर बूथ पर पर्ची बांट कर, बोर्ड बनाकर, जनगणना करके, मनगणना करके, ऐसा कोई काम नहीं है जो शिक्षा मित्रों ने नहीं किया है। आज आप इनके लिए बोलते नहीं, नीतीश लालू की सरकार गिरती है, आप ट्वीट करते हैं शिक्षा मित्र मरता है, आप बोलते नहीं है, आप चौकीदार नहीं है, आप तानाशाह है। मैं उस तानाशाही अपने शासक के पास आया हूँ जंतर मंतर पर, और एक ही मांग करता हूँ, या तो मुझे इच्छा मृत्यु दो, या तो अध्यादेश लाकर मेरे सम्मान को बचाओ। अंत यही जान देकर तभी जाएंगे, अपनी लाश और मिट्टी को लेकर घर जाएंगे। दुबे जी, जब आप शिक्षा मित्र के अंदर आपको लिया गया था, आपको शिक्षा देने के लिए लिया गया था, क्या उस समय कोई योग्यता आपके सामने रखी थी? जी, जिस समय शिक्षा मित्र की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें सरकार द्वारा इंटर पास योग्यता रखी गई थी, लेकिन मैं जब शिक्षा मित्र बना था, मैं डबल स्नातक था, डबल एमए था मैं। ऐसे हमारे सभी शिक्षा मित्र, 70% शिक्षा मित्र स्नातक और बीए थे, लेकिन आपने इंटर योग्यता रखी थी। मैं, मेरी क्या गलती है? आपने कहा था कि मैं 11 महीने के लिए आपको लगाता हूँ, 11 महीने बाद मुझे क्यों नहीं निकाला गया? मुझे 17 साल अपने पास रखकर क्यों जोता गया एक मजदूर की तरह? आज 17 साल बाद आप कहते हो जब हमारी उम्र 50 साल हो गई, हमारी कन्या आज पढ़ने योग्य हो गई, तब आप कहते हो आप अयोग्य हो गए। ये दर्द है, इस दर्द के लेकर इस दिल्ली की सरजमी पर शिक्षा मित्र आया है। तो महोदय, अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन के साथियों से कहता रहता हूँ कि हमारे दर्द को पहुँचाओ, और इस ये समाज पूरा हमारा दुखी है। 45 साथी हम खो चुके हैं एक महीने में, या तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु राष्ट्रपति जी दे दे, अंत हमारे भविष्य को बचाए। दुबे जी का कहना है, आंखों के अंदर आंसू हैं,
जिस समय भर्ती किया गया था, अगर उसके 11 महीने बाद ही अगर निकाल दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता, हम कहीं दूसरा रोजगार देख लेते। लेकिन जो हमारे साथ में ये अनहोनी की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। आज बच्चे बड़े होने जा रहे हैं लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा है। आइए और जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? विनय यादव, जिलाध्यक्ष अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं आप? जी जी। सर आप, मैं ये इतना बड़ा जन समूह लेके आए हैं तो आपकी मांग है क्या, किन मांगों को लेके आए हैं? 17 वर्षों का हम प्रदेश सरकार, भारत सरकार से हिसाब लेने आए हैं। हम कहना चाहते हैं क्या हमारी योग्यता का की जानकारी 17 वर्ष बाद हुई। इसमें सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि 25 से 25 आज हो गई है, 42 से लेकर के 45 साथी हम खो चुके हैं। आगे हम कोई साथी खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम गुहार लगाने आए हैं भारत सरकार से। माननीय प्रधानमंत्री ने बनारस की जनसभा में खुला जनसभा के माध्यम से कहा था कि अगर शिक्षा मित्र मेरे हैं, अगर कोई समस्या आती है मैं उनका विधिसम्मत न्याय संगत तरीके से निस्तारण कराऊंगा। लेकिन आज एक भी स्टेटमेंट, एक भी शिक्षा मित्र की प्रस्थानुभूति का प्रचार नहीं दिया है। दूसरी तरफ भारतीय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए उतर रही थी उस समय अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन आज वह घोषणा पत्र भी भूल रही है क्योंकि अभी तक खुल करके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी शिक्षा मित्रों के प्रति दो शब्द की सहानुभूति नहीं जताई है। इसी दुख और पीड़ा के साथ उत्तर प्रदेश का समस्त शिक्षा मित्र दिल्ली की सरजमीन पर आया है और हमारा यह संकल्प है कि हम अपना खोया हुआ सम्मान, हमें कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना वाजपेयी कातिल में है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे प्रदेश का शिक्षा मित्र का मान सम्मान वापस कराइए। कैसे कराओगे, क्योंकि 70 साल सेवा करने के बाद अब किस राह पर जाएगा, क्या करेगा, क्या किस दिशा में जाएगा, ये मैं प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से अपील करता हूँ कि आप इनका मानक तय करिए कि आखिर ये करेंगे तो करेंगे क्या। आप यादव जी, आपको क्यों अयोग्य घोषित किया माननीय न्यायालय ने? मैं बताता हूँ, जिस समय मैं शिक्षा मंत्री के पद पर चयन हुआ था उस समय बीएड डिग्री को वरीयता थी और मैं उस समय जिस समय मेरा शिक्षा मंत्री के पद पर चयन हुआ था ऑलरेडी पहले से ही एमए बीएड था और मैंने 17 वर्ष सेवा करने के बाद आज शिक्षा मित्र से जब हम सहायक अध्यापक बना दिए गए, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ प्रमोशन देने की परंपरा नहीं है, किस विभाग में नहीं है, कौन सा वकील मजिस्ट्रेट नहीं बनता है, कौन सा जूनियर सीनियर नहीं बनता है। अगर हमारे प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार द्वारा अगर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों का प्रमोशन करके उन्हें अध्यापक बना दिया तो कौन सा गुनाह किया। मान लीजिए जब हमें 3500 मिलता था तो हम योग्य थे, जब हमें 40000 मिलने लगा तो हम अयोग्य हो गए, ये कहाँ का मापदंड है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ पानी को विराम दूंगा कि खासकर मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि इस बात को निश्चित रूप से हमारे देश और दुनिया को दिखाने का प्रयास कर, इसमें हमारे शिक्षा मित्र आपका आभारी रहेगा। आइए और जानकारी लेते हैं कि शिक्षा मित्रों के जो जीवन पर जो एक कहर ढाया जा रहा है उसी संबंध हमारे बीच में एक टीचर्स और हैं शिक्षा मित्र, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? महेश यादव संघर्षी, प्रदेश उपाध्यक्ष दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। सर आपका यहाँ आने का क्या तात्पर्य है, आप क्यों आए यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें अयोग्य घोषित जो किया गया है वो एक न्याय नहीं किया गया, एक निर्णय दिया गया है। निर्णय का मतलब होता है सीधा का सीधा एक कोई चीज़ अपने पर थोपना। निर्णय न्याय नहीं किया गया, न्याय अगर किया होता तो 172000 शिक्षा मित्रों का पूरे जीवन कैरियर भविष्य जो चौपट हो गया है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी बीच उसी बेंच के द्वारा 12 जुलाई को 4 शिक्षिकाओं का जिनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, उनको उसी में समाहित किया गया है, लेकिन 172000 जहाँ रोड पर कर दिए गए हैं उनको केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये एक निर्णय दिया गया है। राजनीति से प्रेरित निर्णय है, इसमें एक राजनीति से प्रेरित है, इसमें हमारे शिक्षा मित्रों का कोई दोष नहीं है। कोई भी शिक्षा मित्र जो समाज कहता है, जो मीडिया कहती है या जो जज कहते हैं कि इंटरमीडिएट है, कोई भी शिक्षा मित्र जो समाहित हुआ है दूरस्थ बीटीसी के द्वारा 2 साल का प्रशिक्षण कराया गया है और वो प्रशिक्षण एनसीटी के माध्यम से कराया गया है, उनसे अनुमति लेने के बाद कराया गया है, उसके बावजूद भी हमको अयोग्य घोषित किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी एक थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। अगर हम 3500 पर जब काम कर रहे थे तो योग्य थे और 39000 पर काम करने लगे तो अयोग्य हो गए। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार की इस समय जो मनसा है वो
मांग यह है कि इनको दोबारा से एज इट इज उसी पद पर शिक्षा मंत्र के पद पर वापस कर दिया जाए। तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर हमको दोबारा शिक्षा मित्र बना दिया जाएगा, मानदेय के रूप में वो 10,000 रुपए अपनी अड़े हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 10,000 के बाद हमें शिक्षा मित्र बना दिया जाएगा तो क्या हम शिक्षण कार्य करेंगे, और अगर शिक्षण कार्य करेंगे तो या क्या हम योग्य हो गए? 39 पर हमें अयोग्य घोषित कर दिया गया और 10,000 पे हम योग्य हो सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये पता होना चाहिए कि ये शिक्षा मित्र अयोग्य नहीं है, आपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस पर एक ठप्पा लगाया गया है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जंतर मंतर पे आज इतना सैलाब है, कल इसकी संख्या 10 गुनी होगी और परसों और ज्यादा हो जाएगी। पूरे यूपी के अंदर कितने शिक्षा मित्र हैं? 172,000 शिक्षा मित्र हैं और उनका परिवार है, उनका पूरा परिवार है, लगभग 10,000 की संख्या होगी और ये 10,00,000 की संख्या होगी। पूरा जंतर मंतर नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर इतने जन सैलाब दिखाई देगा कि शिक्षा मित्र भी अपने में कोई चीज है। अभी जब आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ शिक्षा मित्र के अंदर, तो क्या इनके एजुकेशन रखी गई थी? सरकार का मानक था, वो केवल सरकार का मानक था इंटरमीडिएट, और वो भी इंटरमीडिएट में आपको ये बताना चाहता हूँ ग्राम पंचायत में, पहले न्याय पंचायत में हुआ था, उसके बाद में ग्राम पंचायत में जो सबसे ज्यादा जिसके सबसे ज्यादा मेरिट थी उसका चयन हुआ था। उस ग्राम पंचायत की क्रीम है ये शिक्षा मित्र, और समाज हमारा विरोधी इसलिए है कि उनके बच्चे उस क्रीम से नीचे रह गए थे, उस क्रीम में हम ऊपर निकल आए, वो मट्ठा रह गया था, इसलिए समाज हमारा विरोध करता है कि इंटरमीडिएट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से एमए था सोशियोलॉजी से, उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। केवल सरकार का मानक था हाई स्कूल इंटर की मेरिट बनाना, और उसी बीच में सरकार ने एक और बीच में एक मान वो रखा था कि बीएड जो लोग बीएड हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनका केवल बीएड और बीएड के बीच में ही किया जाएगा, प्रथम प्रियता के तौर पर उनको शिक्षा मित्र बना दिया जाएगा। काफी शिक्षा मित्र हमारे बीच में ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं, वो सरकार का ही मानक था, लेकिन उन्होंने केवल एक पैमाना अपना तय किया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दो ही ऐसे हैं जिनकी हम मेरिट बनाएंगे, और उस मेरिट के आधार पर हम लोगों का चयन किया गया है। हम ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में सबसे अच्छी मेरिट वाले हैं।